आज 1 मई है और इस दिन लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, ऐसे में मजदूरों को इस दिवस का कुछ भी पता नहीं है। उनके बीच खुशियां आज कुछ अलग ही देखने को मिली। एक छोटी सी पहल रीवा में की गई, मजदूर बच्चों के साथ खुशियां बांटने की पहल हुई, मजदूर बच्चों के साथ खिलौने खेले गए, साथ ही उनको ज़रूरत की चीज़ें भी मुहैया करा गईं। ये समाजसेवियों की पहल ने निश्चित तौर पर मजदूरों के घरों में खुशियां तो नहीं बांट सके, लेकिन जहां लॉकडाउन में फंसे हुए हैं मजदूर, उनको खुशी कुछ पल के लिए जरूर दे गए। 1 मई मजदूर दिवस के दिन रेड क्रॉस के सौजन्य से रीवा के तमाम समाजसेवी संगठन इकट्ठा हुए रेलवे स्टेशन के पास बंजारों द्वारा बसाई गई एक बस्ती में। लॉकडाउन का दौर है, इस दौरान जिसे जहां ठिकाना मिला उसने वहां अपना घर बसा लिया, यह घर अस्थाई रूप से। ऐसे ही एक बस्ती में जो बंजारों द्वारा लॉकडाउन के दौरान बसाई गई है, यहां पर रीवा के तमाम समाजसेवी संगठन एकत्र होकर उन्हीं के बीच मजदूर दिवस मनाने लग गए। रेड क्रॉस की अगुवाई में जहां विशेष पकवान की व्यवस्था की गई थी, वहीं बस्ती के छोटे बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने, एक बच्चे को कोरोना वायरस के डमी के रूप में भी बनाया गया था। इस बंजारी बस्ती में थोड़ी देर के लिए खुशियों का ऐसा दौर आया जैसे लगा कोरोना वायरस से संक्रमित दौर में कोरोना वायरस ना जाने कहां उड़ गया। खुशियों के पल जिसे देखो वही समेटने में लगा रहा। कोई खाना बांटकर खुश था तो कोई खिलौने, जिसे यह दोनों चीजें मिल रही थी, उनके चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी। श्याम सुंदर भाई, श्याम सुंदर जी, अरे तुम लोग अपना अपना खाओ ना इसको। सबसे पहले तो ये है कि सभी को आज मजदूर दिवस की बधाई हो, क्योंकि पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। और हम लोग की एक ये सोच थी कि मजदूर दिवस के दिन ये जो आज आप देख रहे हैं पूरे, ये सब मजदूर हैं और उनको तो खाद्यान्न दिया जा रहा है, उनको पका हुआ भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उनके बच्चों तक वो प्रसन्नता नहीं पहुँच पाती है। तो आज ये एक प्रयास किया गया कि उन्हें बैलून दें, उनको खिलौने दें, उनको उनके कुछ मीठा खिलाएं। तो आज उनके लिए बैलून भी है, उनके लिए खिलौने हैं, उनके लिए रसगुल्ले हैं, उनके लिए एक एक डेढ़ डेढ़ किलो के सत्तू के पैकेट हैं कि जब मन चाहे वो घोल के पी सकते हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास है अपने रीवा में जो एक लॉकडाउन की स्थिति में असहज स्थिति है, उसमें हम जाहिर है कि हर परिवार तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर भी एक शुरुआत है कि हम उन बच्चों तक एक छोटी सी खुशी उनके द्वार तक लेके आए, और यही एक प्रयास रहा है। आज मई दिवस है, मई दिवस यानी मजदूरों का दिवस। मजदूर इस समय पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया, किसी प्रकार का उनकी रोजी रोटी नहीं है, किसी प्रकार का उनके पास काम नहीं है, वो सिर्फ घर में रहते हैं और अपने बच्चों के संग रहते हैं। हम लोगों ने सोचा
कि जब ऐसे अवसर पर जब उनके पास कुछ नहीं है कमाने के लिए, तो उनके बच्चे निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को तरस रहे होंगे जो माँ बाप देना चाहते हैं। हम लोगों ने छोटी सी खुशी उनको बांटने का प्रयास किया है, उनको हम लोगों ने खाना बांटने का प्रयास किया है, खिलौने दे रहे हैं, उनको बैलून्स दे रहे हैं और अलग अलग तरह का सामग्री हम लोग दे रहे हैं। आपने स्वयं देखा होगा उनके चेहरे पर जो खुशी है, बस उसी खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं, क्योंकि ये खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है और उन बच्चों में हम पा करके शायद अपना बचपन भी हम उसमें याद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से वीके श्रीवास्तव सर के नेतृत्व में आज सभी सामूहिक संगठनों ने मिलकर के यहाँ पर मजदूर दिवस को मनाने के लिए इन मजदूरों के बच्चों के साथ एक छोटा सा प्रयास किया है, उनके साथ खुशी बांट करके इस कोरोना की महामारी की घड़ी में हमारा स्ट्रेस भी कम हो रहा है इन लोगों को देख करके, ये कितने अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं और हम सभी बहुत थैंकफुल हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के कि उसने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और ऐसे लोगों को टारगेट किया जो हमारा एक्चुअल टारगेट होना चाहिए, सोशली बैकवर्ड लोग जिनका यहाँ पर कोई नहीं है। आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के दिन रेड क्रॉस ने एक अभिनव प्रयास किया। जैसा कि आप सबको मालूम है लॉकडाउन का दौर है, कोरोना से पूरा देश दुनिया संक्रमित है, लगातार लोग अपने घरों में रह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय 100% लॉकडाउन, आप अपने घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन रीवा के समाज से भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कोरोना के संक्रमण के दौरान भी, जिससे उन लोगों तक खुशियां पहुंचाई जा सके, उन चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके जिनके चेहरों पर मुस्कान बड़े मुश्किल से आती। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन बच्चों को जिनका रीवा में कोई नहीं है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर खाने का इंतजाम किया गया, खिलौने का इंतजाम किया गया, तमाम रीवा के समाज से भी इकट्ठा हुए और उन तक उन्होंने खाना पहुँचाया, विशेष खाने की व्यवस्था की। माना जा सकता है समाज सेवियों का यह प्रयास अपने आप में भी एक बेमिसाल प्रयास है। इस तरीके के प्रयास अगर तमाम होते रहें तो कोरोना के दौरान जब सबको घर में रहने के लिए कहा गया, एक अजीब सी उदासी लोगों में व्याप्त है, तो आज की ये चेहरे पे मुस्कुराहट, जो लोगों के चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के आप खुद भी बगैर मुस्कुराए नहीं रह सकते। मैं जावेद अंसारी, न्यूज़ नेटवर्क के लिए समीम सौदाकर के साथ।